बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टर हैं, पूरे साल सब कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं। ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कॉमर्शियल फिल्में ही की हैं, लेकिन बोलते ना साल में दो चार कॉमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म, रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म, जिसमें समाज की ऐसे ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है। जैसे पिछले साल अर्ध आई, एक अलग समस्या पे थी, फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मिच्छल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक पचासों साल की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हजारों गड्ढे रोज पचासों साल से होते हैं और अगले पचासों साल तक गड्ढे होंगे, तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता प्रशासन सरकार हो गई, तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर में पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें, और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं गड्ढे करने, तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई, तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हजारों जानवर, हजारों जाने एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है, एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 200 साल से जब 500 गड्ढे भर सकता है, तो आप सोचिए कि 7-5 लाकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाए, और अपने घर के, अपनी झोपड़ी के, अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया, ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी, और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं, सबके बच्चे बूढ़े नौजवानों की स्टोरी है, और सब इसी समस्या को जानते हैं। आप ये पूरी फिल्म आपको एक चीज के लिए जरूर अवेयर करवाएगी कि देखिए गड्ढे रोक नहीं सकते, गड्ढे पूरी दुनिया में होने ही होने हैं, कुछ निर्माण होगा गड्ढे, एक जगह से फावड़ा चलेगा दूसरी जगह भरा जाएगा। फिल्म गड्ढे होने से कोई समस्या नहीं, गड्ढे हो जाने के बाद बांस उखड़ गया, वो गड्ढा भरा, उसको प्रॉपर गड्ढा भरा, और उसके साथ में जो गड्ढा दिखा उसको प्रॉपर भरा। गड्ढा भरना के प्रति एक भाव अगर हमारी इस फिल्म के माध्यम से आ गया, तो हमारा भी सपना है कि मतलब इतना देश सज रहा है, गड्ढा मुक्त देश हो जाए तो क्या कहने, उसके लिए हम सबको अपने अपने घर के आसपास के गड्ढे सिर्फ भरने में मदद करनी। मैंने ट्रेलर देखा, पोस्टर भी शानदार है, किसी कलाकार ने, किसी बॉलीवुड के कलाकार ने फोन कहा सर ये आपका फिल्म बहुत शानदार, किसी को फोन आया? अभी तक जब से शूटिंग शुरू की है, जब से यहाँ तक जितने लोगों ने इस फिल्म से एसोसिएट हुए हैं, आई थिंक 20 साल में जितनी मुझे किसी फिल्म की तारीफ मिली होगी, तो 20 साल में जो तारीफ मिली उतनी तारीफ मुझे इसमें मिल रही है, और मैं भी बहुत
अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम कॉमर्शियल लोग हैं, हम जिंदगी भर हंसाने गुदगुदाने का काम करते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं वहीं से खुशी के आंसू निकलते हैं, वहीं से गम के आंसू निकलते हैं। वही सेम पर्दा है, वहीं से खुशी दिखाई देती है, वहीं से ठहाके दिखाई देते हैं और वहीं से आंसू दिखाई देते हैं। तो आंसू और हंसी दोनों में मीनिंग समझने के लिए आओ सब मिलकर गड्ढे भरें। क्या सर, हम ये उम्मीद करें कि आप जब भी अब कहीं गुजरेंगे अपनी गाड़ी से और आपको गड्ढा दिखेगा तो आप उस, आपको लगेगा डेंजर है तो आप उसे पाट देंगे? मेरी तो इच्छा है कि एक गाड़ी ना रुके, 10 गाड़ियां रुके, हर गाड़ी की डिग्गी में एक एक फावड़ा पड़ा हुआ हो। मेरी सच में इच्छा, मैं कल से यही अपील कर रहा हूँ कि अपने चबूतरे पे फावड़ा रखो, परात रखो और अपनी गाड़ी में भी डाल के रखो, ताकि 10 गाड़ियों रुका और तुरंत उसको पाट लिया और उसको बराबर करके आगे बढ़ लिया। थैंक यू। प्लीज मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने अपना बाइट दे दिया, आप दीजिए। बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइफ्स, वी ट्रस्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वी होप यू ऑल एंजॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंजॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ फिल्म देखे और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सबसे बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। सो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज एवरी थिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर अ फैमिली, कीपिंग अर फैमिली फर्स्ट। बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो OTT हो या थिएटर हो या फिर यू नो टेलीविजन हो। आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर वट एवर द प्लेटफॉर्म इज। वेल मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी, वाइफ पहले बनी उसके बाद बहू बनी। सो यस आई हैव बीन देयर डन दैट, बट दिस टाइम द रोल एंड द कैरेक्टर इज डिफरेंट, द सिचुएशन इज डिफरेंट, द मेच्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज डिफरेंट, फ्रॉम वेयर शी कम्स अ बैकग्राउंड इज डिफरेंट एंड हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड वॉट हैपन्स टू हर फैमिली इज डिफरेंट। मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिस पे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर एक्सपैंड आर सेल्व्स एंड स्ट्रेच आर सेल्व्स टू सी वॉट वी कैन डू बियॉन्ड आर कम्फर्ट जोन, नॉट नेसेसरली फॉर आर सेल्फ फॉर आर फैमिली बट गोइंग लिटिल बियॉन्ड दैट, एंड वेन वी डू दैट लिटिल मोर वील सी a nation that is better for us and even for the upcoming generation. Thank you. मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा बिकॉज मेरे भाई की फिल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फिल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आमतौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब
Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखी। मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है। द मैनी फैंस दैट राजपाल भाई हैज़, और बहुत अच्छे मित्र बहुत अच्छे दोस्त भी हमारे, और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इन्वाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में सारी वेब सीरीज़ आई ऑलवेज वॉच इट, बिकॉज दैट मैन हैज़ सो मच टू लर्न फ्राम, आई मीन यू नो ही इज़ अ परफॉर्मर, वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं, एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ great learning to watch him. No, abhi bhi alag hai, dekho, look at this, I never expect. Hey Dalnaz, how are you doing? Very well, how are you? Very well. So isme bhi bahut hi alag lag rahe hain, so I'm sure it'll be a treat for all Rajpal Yadav fans, so keeping fingers crossed, I hope it gets all the love and support from everyone. I know, I wish him all the best, really. Palash, he's writing and directing it, and I think ye dono ki jodi badi kamaal hai, so keeping fingers crossed for both of them. Dekho Rajpal Yadav ki koi bhi film hai chhodna mat, I'm sure you all know it, main kya bata raha hu, everybody loves Rajpal bhai. thank you so much. I wish them all the best. Firstly to bahut sari mubarakbaad hai, bahut sare wishes, bahut sare Rajpal is a dear friend, bahut acche khoobsurat artist, उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी, कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए, मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना? तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है काम चालू है, इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी इसी टीम की, पलाश मुंजाल की अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले, इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूंगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और Z5 भी है। अभी भी काम मुंबई में भी काम चालू है, प्लस कल फिल्म भी रिलीज चालू है, काम चालू रिलीज क्या बहुत बढ़िया, ये सोच ही अपने आप में कमाल है। देखिए क्या है, आज वो समय आ गया है क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा प्रोडक्शन बना रखा है, जो मेरी फिल्म गाली गलौज भी आई है, अभी आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, थॉट ओरिएंटेड फिल्म बन रही है जिसमें पब्लिक एक बार जाए और एक कैरेक्टर के साथ उसके प्यार में उसकी कहानी में समा जाए, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए, तो ऐसी फिल्में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर OTT लाइक Z5 ऐसी फिल्मों को बहुत प्रमोट करी, हमारी फिल्मों को भी Z5 ने प्रमोट किया था, तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है कि बेकार की वल्गैरिटी, बेकार की गाली गलौज, बेकार की न्यूडिटी को सपोर्ट करने के बजाय पलाश मुंजाल की फिल्म हमारी काम चालू है, ऐसी फिल्में बहुत सारी फिल्में बनने का भी काम चालू है, मेरी भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है, तो राजपाल, सुनील पाल, अर्जुन रामपाल, हे पालर आ रहे हम सबको पाल, लव यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, ये फिल्म मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए तो एक्टर जिंदा रहता है, एंड डेफिनेटली अच्छी होगी। इन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज इनके लिए हैं, एंड मेरा भी काम चालू ही है। क्या कहना चाहेंगे, काम चालू
तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं, राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू टेक हिज परफॉर्मेंस नॉट जस्ट वन नॉच हायर बट मेनी नॉचेज हायर इन दिस फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। आई थिंक एज एन एक्टर ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने वर्सेटाइल होते हैं, एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। ये टोटली इमोशनल है, सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही। यू कैन सी द फिल्म इज़ मेड विद सो मच लव एंड हार्ड वर्क, एंड अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद आई एम नॉट श्योर अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूँगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फिल्म देखते हुए रोने लगती हूँ, एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट, बट या जस्ट बाई सीइंग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। मैम काम चालू है, फिल्म कल रिलीज होने जा रही है, जी फाइव पर क्या कहना चाहेंगी? Yeah, I think काम चालू है, इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी ऑन अ ट्रू स्टोरी। When I वॉच्ड इट आई वाज टच्ड, तो काफ़ी अच्छी मूवी है और आई थिंक राजपाल सर, जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है, सो आई वुड जस्ट से कि गो आउट एंड वॉच इट, इट्स कमिंग टुमारो ऑन जी फाइव। पलाश सर राज सर के साथ ये सेकेंड मूवी, इससे पहले उन्होंने अर्थ की थी, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी फिल्म लगी और हाँ आई थिंक अर्थ भी काफ़ी यू नो क्लोज टू रियलिटी मूवी थी, एंड ये भी, एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। नथिंग, आई थिंक कल आ रही है जी फाइव पे, काम चालू है, सो प्लीज़ गो आउट एंड वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। हे मी असं माझ्या हे माझ्याच हे माझ्या मुलीला असं घडलं, मी रडत होतो, पण ते असं होऊ नये, माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये, त्याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो, असले गड्डे कायम मी झाकत आलो, आणि असं कोणाच्या वाटणीत होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं आहे, हे पर सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ती ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो। थँक्यू थँक्यू।